हाँ जी, पीछे नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक शामिल है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर, प्रेशर की सारी डिटेल इसमें होगी, और इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक हीट शामिल है। तो ये दो चार टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पता है आपको, चंद एक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? तमाम गैसेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती हैं, विच रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। ये हर टाइम हरकत की हालत में रहते हैं। इनकी रैंडम मोशन ब्राउनियन मोशन होती है, ठीक है, रैंडम मोशन होती है, जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। अपनी मोशन की वजह से आपस में कोलाइड करते हैं, और जिस बर्तन में डाला जाए उसकी दीवारों से कोलाइड करते हैं, इनके कोलाइजन होते हैं, और इनके कोलाइजन प्योर इलास्टिक कोलाइजन होते हैं। जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है उसकी वजह कोलाइजन होते हैं। ड्यू टू कोलाइजन गैसेस एग्जर्ट प्रेशर। ये आपस में दूर दूर होते हैं, इन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके अपने साइज से ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन देयर साइज। ये गैस मॉलिक्यूल आपस में कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, मतलब दे मूव फ्रीली बिटवीन टू कोलाइजन। ये दो कोलाइजन के दरमियान किसी फोर्स के ज़ेर असर मूव नहीं करते, दे मूव फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये चंद एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और यूजफुल वर्क। किस तरह हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं ये हमें थर्मोडायनामिक में पढ़ना होता है। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी बॉडी की हार्डनेस या कोल्डनेस को किसका नाम देते हैं? टेम्परेचर का। और इसकी मेजरमेंट थर्मामीटर से की जाती है, जिस पर डिफरेंट स्केल होते हैं। सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, और फारेनहाइट। सेल्सियस जिसको सेंटीग्रेड कहते हैं, केल्विन और फारेनहाइट स्केल होते हैं, ठीक है।
इन स्केल के आपस में कन्वर्शन कैसी है? सेल्सियस और केल्विन में ऐसे होती है, और फॉरेनहाइट 5/9 सेंटीग्रेड -32 होती है, या सेंटीग्रेड होगा 9/5 फॉरेनहाइट +32। अगर सेंटीग्रेड में 15 डिग्री है, फॉरेनहाइट में कितने होंगे? अगर सेल्सियस में 15 डिग्री है, इसकी वैल्यू फॉरेनहाइट में कितनी होगी? तो ये इक्वेशन यूज़ कर लें, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 15-32। तो कुछ नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉरेनहाइट के 15 हो, सेंटीग्रेड में कितने होंगे? तो फिर ये फार्मूला यूज कर लेंगे, इफ डिफरेंस इन सेंटीग्रेड इज 20, then difference in Kelvin. अगर सेल्सियस में डिफरेंस 20 हो, केल्विन में कितना डिफरेंस होगा? केल्विन में भी डिफरेंस 20 होता है, डेल्टा सी बराबर होता है डेल्टा के, चेंज की वैल्यू दोनों में सेम होती है, लेकिन इफ डिफरेंस इन सेल्सियस इज 15 सेंटीग्रेड, देन डिफरेंस इन फॉरेनहाइट में कितना डिफरेंस होगा? क्या अभी 15 ही होगा? नहीं होता। जो डिफरेंस सेल्सियस में है, सिंपल रूल ये है कि उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये डिफरेंस आ जाएगा कि इसमें फॉरेनहाइट में डिफरेंस आ जाएगा। केल्विन और सेल्सियस में डिफरेंस सेम होता है, मगर सेल्सियस और फॉरेनहाइट में सेम नहीं होता। कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा आप किस में लेते होते हैं? केल्विन में। एब्सोल्यूट जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो केल्विन। सेंटीग्रेड -459 फॉरेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 केल्विन में वैल्यू क्या है, सेल्सियस में क्या है और फॉरेनहाइट में क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
सेंटीग्रेड में 273.16 केल्विन में और 32.010 फारेनहाइट में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड 310 केल्विन 98.6 फारेनहाइट। ये विदाउट कोरोना है। सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल रीडिंग देते हैं -40 पर। केल्विन और फारेनहाइट इनकी रीडिंग सेम आती है 574 पर। सही है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं उनकी इक्वेशन से। प्रेशर क्या होता है? इट इज फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। ये गैस प्रेशर है। इसके अलावा भी जब भी आप प्रेशर मालूम करेंगे इक्वेशन यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल which is total weight of atmospheric pressing down on flat horizontal roof of dimension 4 meter across 2 meter. जो छत है वो 4 meter x 2 meter एरिया की है। उसका एरिया ये है, जिसकी डायमेंशन है 4x2 की है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है उस छत पर, कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स बताइए। तो प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स की वैल्यू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया होगी। एरिया किसके बराबर है? लंबाई चौड़ाई 4 × 2 = 8 हो जाएगा। सो प्रेशर है, गिवन है 100 किलो पास्कल मल्टीप्लाई 8। तो ये 800 किलो न्यूटन, 800,000 न्यूटन। सही है। ऐसे ही a tank 3 meter long ek tank hai 3 meter long hai 1 meter wide 0.5 meter deep aisa koi tank hai
ऐसे ताबूत की शक्ल का, उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर है, ये वाली। जो उसकी डेप्थ है, ऊंचाई, वो 0.5 मीटर है। डीप 0.5 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है और लेंथ 3 मीटर है। इस फिल्ड विद ऑयल, विद वेट 12,000 न्यूटन, व्हिच इज प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टैंक। प्रेशर ऑन बेस ऑफ टैंक, तो प्रेशर मालूम करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या लग रहा है? वेट ऑफ द ऑयल, तो हम वेट की वैल्यू यूज कर लेंगे फोर्स की जगह। एरिया क्या है? ये बेस है उसकी, ये बात। बेस का एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसमें हाइट तो नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होगी। लंबाई इसकी 3 है और चौड़ाई कितनी है? 1। तो ये एरिया बनेगा 3×1, 3 मीटर स्क्वायर होगा। लंबाई चौड़ाई 3 बन गया, तो फोर्स है 12,000 / 3, 4,000 पास्कल, इट इज प्रेशर। अगर टोटल क्या, टोटल क्या होगा? समझ नहीं आ रही। टोटल मतलब कोई एरिया, प्रेशर तो हम किसी एरिया पे मालूम करते हैं ना, एरिया का पता होना चाहिए। ये तो वॉल्यूम बन जाएगा टोटल ना, आपको वॉल्यूम पे नहीं करना, एरिया पे करना होता है। प्रेशर में एरिया इन्वॉल्व होता है ना कि वॉल्यूम। इसके लिए कुछ सरफेस होनी चाहिए जिसका एरिया होना चाहिए, उस पर गैस या कोई भी लिक्विड, कुछ भी जितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो उस सरफेस का प्रेशर होगा। तो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास एक क्यूब है, जिसकी हर साइड L के बराबर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब L के बराबर है, लेंथ ऑफ ईच साइड, एरिया ऑफ ईच साइड L स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ ईच साइड L क्यूब। इसमें गैस मॉलिक्यूल हमारा गर्दी कर रहे हैं, गैस को हमने भरा हुआ है। मालूम ये करना है कि नेट प्रेशर गैस की वजह से कितना है। इसमें कुछ टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो एक्स के लॉन्ग मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? जितने तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के स्क्वायर को जमा कर दें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर लें, ये मीन स्क्वायर है एक डायरेक्शन में। ठीक, जो टोटल मीन स्क्वायर होती है वो सम होती है मीन स्क्वायर अलोंग एक्स, मीन स्क्वायर अलोंग वाई, मीन स्क्वायर अलोंग सेट। ये फार्मूला भी इस्तेमाल होगा। चूँकि मीन स्क्वायर सबके अलोंग सेम होती है, जितने एक्स के अलोंग उतने वाई के अलोंग उतने जेड के अलोंग, तो किसी एक एक्स एक्सिस के अलावा जो मीन होती है वो टोटल का 1/3 होती है। तो किसी एक साइड की मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वो टोटल का 1/3 होती है। गैस की हम डेंसिटी लेते हैं मास ओवर वॉल्यूम,
एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तमाम मॉलिक्यूल का टोटल मास एम एन होता है, वॉल्यूम क्या है एल क्यू, तो डेंसिटी की वैल्यू होती है एम एन ओवर एल क्यू। किसी एक डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा मसलन एक्स के लॉन्ग, उसका फार्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग एक्स। किसी एक डायरेक्शन में प्रेशर ये होगा, वाई के लॉन्ग प्रेशर जो लग रहा है उसकी वैल्यू डेंसिटी मल्टीप्लाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग वाई। पी जेड क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग सेट। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग एक्स वाई जेड की बजाय अगर टोटल मीन स्क्वायर की शक्ल में प्रेशर लें तो 1/3 डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ये टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में प्रेशर होता है, क्योंकि एक्स के लॉन्ग जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टोटल का 1/3 होती है। तो वी एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं, टोटल मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। डेंसिटी होती है एम एन ओवर वॉल्यूम है, ये एल क्यूब क्या होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। इसके यूं लेते हैं 2/3 एन, ये वॉल्यूम हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये वॉल्यूम है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसे लिखते हैं इनटू एवरेज काइनेटिक, ये एवरेज काइनेटिक आ गई 2/3 एन ओवर वी क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है। सो प्रेशर डायरेक्टली आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो याद रखिए प्रेशर के लिए ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, प्रेशर डायरेक्टली होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। इसी तरह एक रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी है, टेम्परेचर इज 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक। के क्या है, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, -10^-23 जाउल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में है, ये प्रेशर की फॉर्म में, यहां से बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को भी वेरीफाई करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ ये है इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन प्रेशर इन्वर्सली टू वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन में देखिएगा एवरेज काइनेटिक को आप क्या कह लें, टेम्परेचर, अगर एवरेज काइनेटिक मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो 2n/3 कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं इन्वर्सली होते हैं। ऐसे ही चार्ल्स लॉ के लिए वॉल्यूम को ऊपर ले आते हैं, v इज इक्वल टू 2n/3p मल्टीप्लाई एवरेज काइनेटिक। अब ये टेम्परेचर है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम, सॉरी ये टेम्परेचर है 40 ग्राम, में क्या करना होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ये पहले ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली हो गया टेम्परेचर के। बॉयलर का ग्राफ कैसे बनता है, पीवी डायग्राम कैसे होती है, इन्वर्सली का ग्राफ कर्व की शक्ल में ऐसा होगा। ठीक है, गैस इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर है, 40 ला है, वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर है, और वॉल्यूम डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है, अगर सबको कंबाइन कर दें एन टी ओवर पी, पी इधर आ गया, यहां कांस्टेंट लगाते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये स्मॉल एन होता है मेरे ख्याल में, ठीक। तो ये भी गैस इक्वेशन है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, इसमें आर क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी एक और फॉर्म भी है, एन क्या होता है, एन होता है एन ओवर एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओवर एवोगाड्रो नंबर। अगर स्मॉल एन की जगह ये पुट कर लें तो पी वी बराबर होगा एन ओवर एन ए आर टी, आर ओवर एन ए से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कहते हैं, के इज इक्वल टू आर ओवर एन ए, तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी, कैपिटल एन की फॉर्म में ये इक्वेशन है, ये स्मॉल एन की शक्ल में है और ये कैपिटल, कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, एन ओवर एन ए। समझ आई, केमिस्ट्री तो आपको आती है खैर से, और तुम्हारे घर की नौकर है। अगर y के लॉन्ग लें पी वी, एक्स के लॉन्ग लें टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर प्रेशर और वन और v के दरमियान ग्राफ हो तो ये कैसा होगा, अगर वॉल्यूम और वन ओवर टी के दरमियान हो तो कैसा होगा, मजे की बात यह है
अगर प्रेशर और वॉल्यूम है तो ये कर्व है, ठीक है। अगर प्रेशर और वन ओवर वी तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाए, फिर वैसे ही प्रेशर इनवर्सली है वॉल्यूम के। अच्छा, ये दो बार आ गया, इसके अगर आ तो ये स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। वॉल्यूम और टी के दरमियान कैसा होता है? चार्ल्स लॉ, डायरेक्टली होते हैं तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब वॉल्यूम और वन ओवर टी करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा? कर्व की शक्ल बन जाएगा। तो तुम्हें डिफरेंस याद रखना, डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन, जब उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तब वो कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर विच आर द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल प्रेशर इज मैक्सिमम, किस केस में प्रेशर मैक्सिमम होगा? गैसेस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस केस में ज्यादा होगा? वजह मैंने पूछा है अबाउट प्रेशर, वेलोसिटी नहीं पूछी, प्रेशर। प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डेंस है इनके मुकाबले में। विच आर द फॉलोइंग हैज लार्ज आर एम एस स्पीड, इनमें से आर एम एस स्पीड किसके ज्यादा है? गैसेस हुई हैं, ऑप्शन हुई है। अब आर एम एस स्पीड का डिपेंड किस पे होगा? आर एम एस स्पीड मास के इनवर्सली होती है, जिसका मास कम होगा उसकी आर एम एस ज़्यादा होगी। तो इस ऑप्शन में इसके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है? जो लाइट है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एम नीचे चला जाएगा, आर एम एस स्पीड और मास इनवर्सली होते हैं, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होती है।
टू गैसेज आर एट एट टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड एंड 127 सेंटीग्रेड. द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इनकी काइनेटिक की रेशियो क्या बनेगी. अब जो काइनेटिक होती है वो डायरेक्टली है टेम्परेचर के, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी काइनेटिक ज़्यादा. तो आपको करना क्या होता है, इन्हें केल्विन में कन्वर्ट कर लें. कोई भी कैलकुलेशन आपने सेल्सियस में नहीं करनी, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है फ़ौरन उसके केल्विन बना लें. 300 केल्विन बन गए और 127 है, ये 400 केल्विन बन गए. जब रेशियो मालूम करेंगे तो T1 by T2 300 over 400, तो 3:4 है. इफ टेम्परेचर ऑफ गैस is 27 centigrade, then at what temperature the RMS speed of molecule would become 4 times. ट्वेंटी सेवन पे स्पीड वी है, किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड 4 times हो जाएगी. अब क्या तालुक इनमें, बाकी सब कांस्टेंट कह लें तो ये डायरेक्टली है हाफ एमवी स्क्वायर के. गया वी स्क्वायर डायरेक्टली है टेम्परेचर के. जो दो स्पीड की रेशियो बनेगी V2 बाई V1 वो होगा T2 बाई T1. जो स्पीड की रेशियो है स्क्वायर के वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है. V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट ले लें. सही है. अब सवाल ये है, T1 तो गिवन है, T1 की वैल्यू है 27, मतलब प्लस 273 केल्विन. T1 की वैल्यू गिवन है, T2 हमने मालूम करना है, रेशियो कितनी हो गई 4. जब इनकी रेशियो 4 हो जाए तब बताइए T2 की वैल्यू क्या है. जब ये रेशियो क्या हो जाए 4, जब सेकंड वेलोसिटी फर्स्ट से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, तो इनकी जगह 4 पुट कर लें. T2 बाई 300 अंडर रूट. T2 हमें चाहिए, स्क्वायर कर लिया तो T2 की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा, 300 है, तो ये 4800 बन गया केल्विन.
और सेंटीग्रेड में लेने हो तो थक तो देंगे। चलो इसकी प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी करनी है, कल 150 न्यूमेरिकल करेंगे, कल कर लेंगे।